दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विच फूड इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम हलवाई जैसा गोभी की सब्जी। तो इसमें हमने ये गोभी को लिया है, जिसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में हमने इसको काट के साफ़ कर लिया है। और ये आलू है, आलू को भी हमने ये बड़ा बड़ा साइज काटा है, आप देखिए। तो ये सब्जी आपको आज बनाना मैं सिखाता हूँ एकदम हलवाई जैसा। खाने में इतना टेस्टी होगा कि आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमने गोभी और आलू को काट लिया है। ये एक प्याज है, बड़ी साइज़ का प्याज है, इसको बारीक हमने चॉप कर लिया है। ये 10-12 हमने लहसुन की कलियाँ लिया है, और ये 2 हरी मिर्च है, और ये एक टमाटर है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, और ये थोड़ा सा हमने ये कुछ बड़े साइज़ का रख लिया है, और ये 1 इंच अदरक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डालिए, लेकिन मैं इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं इसको दरदरा कूट लूँगा, अदरक लहसुन और धनिए को। जब तक मैं इसको दरदरा कूटता हूँ, तब तक फ्रेंड्स आप जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, गोभी और आलू को हम फ्राई कर लेंगे, तो आइए फ्राई करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होती है, इसमें हम तेल को डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो इसमें तेल को हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब ये तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम आलू को डाल देंगे। आलू को हमें गोल्डन होने तक इसको पकाना है, तभी हलवाई जैसा टेस्ट आ पाएगा। तो ये देखिए, पक रहा है हमारा। दोस्तों ये देखिए, गोल्डन हमारा हो चुका है। तो अब इसको निकाल लेंगे। अब गोभी को फ्राई करेंगे। ये देखिए, गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, कढ़ाई फिर से हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें जाएगा सरसों का तेल। तो दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले हम डालेंगे। तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा, 2-3 लौंग और 3-4 काली मिर्च। जैसे ही हमारा मसाला चटक जाए, इसमें हम प्याज को डाल देंगे। प्याज को हमें भूनना है जब तक ये हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा कूटा है, उसको इसमें डाल देंगे 1 चम्मच, और इसको भी भूनेंगे प्याज के साथ। तो लीजिए, ये हमारा भुन चुका है और खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है। तो अब इसमें हम जो टमाटर हमने चॉप करके रखा था, उसको डाल देंगे और थोड़ा सा इसको हम चला देंगे।
अब इसमें कुछ हम मसाले डालेंगे जो इस प्रकार है। ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर इसमें डालेंगे और इसमें जाएगा काश्मीरी लाल मिर्च जो कि थोड़ा 1 चम्मच है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, और इसमें जाएगा नमक जो कि स्वाद अनुसार, अब इसको अच्छे से चला के हमें भूनना है मसाले को। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे क्योंकि मसाले हमारे जले ना, इसलिए थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे। इससे हमारा प्याज और टमाटर भी पकता रहेगा और मसाले भी भुनते रहेंगे। आप देखिए, 5 को हम एकदम लो करके 5 से 7 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हरी मटर इसमें डालेंगे जिससे सब्जी की जान और दुगनी हो जाएगी। आलू, मटर, गोभी, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन इसका होता है, हलवाई स्टाइल सब्जी। आप भी इसको ज़रूर घर में बनाइएगा और अगर इसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसको फिर से ढक देंगे। तो लीजिए दोस्तों, देखिए यह हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है और प्याज टमाटर भी गल गया है, मटर भी लगभग पक ही चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने टमाटर बड़े साइज़ का रखा था वो, और इसमें हम डाल देंगे अपना फ्राई किया हुआ आलू और गोभी को। इसको चला देंगे। अब देखिए दोस्तों, आप भी हलवाई जैसी सब्ज़ी घर पे ज़रूर बनाइए, मेरे तरीके को फॉलो करिए। और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, अभी थोड़ा सा हल्का कच्चापन इसका दूर हो जाएगा, तो इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। इसमें फ्रेंड्स थोड़ी सी कटी हुई धनिया हम डाल देंगे और इसको थोड़ा और भुनेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, फाइनली हमारा बन के तैयार हो गया है ये आलू गोभी का हलवाई स्टाइल मसालेदार सब्जी। आप देखिए, बहुत ही लजीज। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो देखिए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।